गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियोस में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हम लोग पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं वो पढ़ चुके थे। फॉर द रिवाइजिंग या रिकॉलिंग इट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है उसे देख लेते हैं हम फिर से। पार्टनरशिप डीड इज़ एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर पार्टनरशिप डीड। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कि सिंपल एक रिटन एग्रीमेंट होता है कोई भी दो या ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में। जो भी एग्रीमेंट होता है अगर वो रिटन के तौर पे होता है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है, और उसमें जो कुछ भी लिखा होता है सारे अकाउंट्स उसी के बेस पे बनते हैं। जो कुछ भी डिसाइड हो गया वो सही है, बस वो इलीगल ना हो। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो क्या होगा। तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो उसमें सेम सिंपल लिखा हुआ है ये सारी टॉपिक्स। उसमें तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें जो काम है, ज़रूरत है उस जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या चैप्टर में हम लोग पढ़ने के व्यू से, तो उसमें सिंपल हम लोग देखेंगे कि उसमें कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट, नो सैलरी, नो रिमुनरेशन, नो कमीशन, नो बोनस। मीन्स ये सब कुछ चीज़ें उन्हें नहीं मिलेंगी, चाहे वो अगर पहले से डिसाइड नहीं है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया है तो उनको अगर रेट डिसाइड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से उन्हें मिलेगा। और इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो इक्वली में बटेगा। नो पार्टनर शैल बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये सब हम लोग राइट ऑफ पार्टनर्स में पढ़ चुके हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर में, कि किसी भी पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा जब तक कि सारे पार्टनर्स ना रेडी हों। और अगर मेजॉरिटी के बेस पे डिसीजन नहीं होगा और सारे पार्टनर्स का राइट है कि वो अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, उसकी जेरोक्स ले सकते हैं, तो अगर इन सब को एक लाइन में हमें याद करना है तो सिंपल एक लाइन में याद कर लेंगे हम लोग कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वली। ये सब चीज़ें अगर हम एक लाइन में लिख करके याद कर लेते हैं तो बस इससे ज़्यादा हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस टाइप के रूल्स पढ़ने के, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीज़ें लागू होंगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉफिट होगा तो बटेगा, प्रॉफिट होगा तो किस में बटेगा, तो पार्टनर्स में बटेगा। एलोकेशन होगा किस तरीके से, कि किस किस तरीके से बटेगा वो, तो ये सारी चीज़ें पीएल अप्रोप्रिएशन करता है। ये पीएल अकाउंट के बाद बनता है, ट्रेडिंग पीएल के बाद एक और अकाउंट बनता है, क्लास 11 के बाद में सोर प्रोपरेटरशिप के में, और पार्टनरशिप अकाउंट के फाइनल अकाउंट में डिफरेंस यही कि इसमें एक अकाउंट ये एक्स्ट्रा बनता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, तो ये इसका फॉर्मेट है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें सारी चीज़ें देखेंगे डेबिट साइड में, तो सारे पार्टनर से रेमुनरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। केवल ड्राइंग इसमें नहीं जाता है, वो सीधे कैपिटल अकाउंट में जाता है, और चार्ज वाली चीज़ें नहीं जाती हैं। अब क्वेश्चन अराइजेज है कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स कि चाहे वो प्रॉफिट हो या ना हो, उन खर्चों को हमें देना ही है, लिखना ही है, तो वो चार्ज कहलाते हैं। पीएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी खर्चे जाते हैं वो सब चार्ज होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज़ें जाएंगे वो अप्रोप्रिएशन होते हैं, मतलब प्रॉफिट होगा तो बटेगा, नहीं तो लॉस केवल पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और उस साल वो चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि उस साल नहीं मिली तो अगले साल वो मिल जाएंगी, अब वो लैप्स हो जाती हैं। अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो केवल अगले साल की रिमुनरेशन मिलेगा। ठीक, और इसमें देखेंगे कि दो तीन आइटम स्टार्टिंग में लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, कि बाय नेट प्रॉफिट में से लेस इंटरेस्ट इन पार्टनर, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर। ये तीनों चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। अगर दो तरीका है इसका, कि या तो आप तीन चार लाइन का एक पीएल अकाउंट बनाइए, उसमें लिख लीजिए और नेट प्रॉफिट में से घटा के फाइनल नेट प्रॉफिट ले आइए इसमें, या तो फिर नेट प्रॉफिट आप ले आ गए हैं, ये चीज़ें नहीं घटी हैं, तो इसमें अंदर कॉलम में घटा के फाइनल अमाउंट आप बाहर ले आइए। ठीक, इसीलिए इसमें से लेस करके तब बाहर दिखाया जाता है। मीन्स अगर इसको छोड़ दिया जाए तो केवल क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही एक ऐसा पॉइंट है, मीन्स कि अमाउंट है जो कि क्रेडिट में जाता है, और तो उसके बाद बैलेंसिंग अमाउंट है जो कि लॉस के, अगर क्रेडिट साइड में आता है तो लॉस रहेगा और डेबिट साइड में आता है तो प्रॉफिट रहेगा। वी ऑल नो इट। ठीक,
तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ वेरी इजी टू मेक, ठीक। तो नाउ विल फर्दर प्रोसीड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रेंड्स, तो दो तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं, पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग जो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, 11th में कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें ड्राइंग माइनस किया, नेट प्रॉफिट ऐड किया, एक ही में सब कुछ उससे रिलेटेड लिखते थे, ओनर से रिलेटेड, वो सब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था, ठीक। अब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस समझने के लिए हमें पहले इसके फॉर्मेट देखने पड़ेंगे। तो फिक्स में देखिए फ्रेंड्स, इसमें शायद टॉपिक लिखना छूट गया है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, ऊपर वाला है कैपिटल अकाउंट, नीचे वाले को करंट अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में केवल दो तीन आइटम जाते हैं, हमेशा इसके अमाउंट नहीं तो सेम रहेंगे, अगर वो आइटम नहीं है तो जैसे कि पहला ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, फिर उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल आता है तो एडिशनल कैपिटल, नहीं तो फिर ये विदड्रॉल ऑफ कैपिटल, कोई परमानेंट विदड्रॉल अगर कोई करता है, पूंजी की 5 लाख है, 2 लाख हम निकाल लिया हमेशा के लिए, तो वो जाएगा, नहीं तो इसमें और कोई आइटम नहीं जाते हैं। रेस्ट सारे आइटम जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में गए हैं वो सब विद ड्रॉइंग भी, ये सब कुछ जाएगा करेंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग में अगर देखेंगे तो ये दोनों अकाउंट को मिला करके एक कर दिया जाता है, मीन्स एक ही में सब कुछ ले जाया जाता है, कुछ भी बांटा नहीं जाता है कैपिटल और करेंट में, उसको सिंपल कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसमें देखिए ड्रॉइंग भी गया है, एडिशनल कैपिटल भी गया है और ओपनिंग कैपिटल भी गया है, और लास्ट में इसको सारे पीएल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट्स भी गए हैं। तो ये दोनों ही छोटा सा डिफरेंस है इसमें, फिक्स कैपिटल अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स में दो बनते हैं कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनते हैं, सब कुछ एक ही साथ लिखा जाता है, लेकिन सारी चीज़ें डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। बस आप देखेंगे कि ऊपर के दोनों अकाउंट को मर्ज करके नीचे का एक अकाउंट बना दिया गया है। दिस मच इज़ फ्रॉम दिस वीडियो, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू, होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, बी हैप्पी।